नमस्कार, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम सामाजिक विचारकों की श्रृंखला में एक ऐसे सामाजिक विचारक के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अगस्त कामटे के कार्य को आगे बढ़ाया। अगस्त कामटे ने जिस समाजशास्त्र का चित्र बनाया था उसमें रंग भरने का कार्य किया, उस सामाजिक विचारक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया था और समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हुए प्रथम बार समाजशास्त्र की पुस्तक वो लिखी थी। तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर है वो समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों में से माने जाते हैं। इनके समाजशास्त्र में योगदान को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, इनका उद्विकासीय सिद्धांत। नंबर दो, इनका समाज का सांवे सिद्धांत। नंबर तीन, समाजों का वर्गीकरण यानी सैनिक और औद्योगिक समाज की विशेषताएं, यानी जो उद्विकास है समाज का वो सैनिक समाज से किस प्रकार से औद्योगिक समाज में हुआ, इन पर चर्चा करेंगे। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन यात्रा है वो 27 अप्रैल 1820 में इंग्लैंड के डर्बी शहर से प्रारंभ हुई थी और 8 दिसंबर 1903 को इनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। इनका जो उद्विकासीय सिद्धांत है वो उद्विकासीय सिद्धांत डार्विन से उधार लिया गया है, जीव विज्ञान से उधार लिया गया है। डार्विन ने अपनी दो पुस्तकों में, एक है नंबर एक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, और दूसरी है डिसेंट ऑफ मैन 1871 में, इनमें उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि जो जीव योग्य हैं प्रकृति उनका चयन करती है जीवित रहने के लिए, और जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं करती है प्रकृति उनको चुन लेती है, किसके लिए, समाप्त करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए प्रकृति चुन लेती है, यानी इस संसार में वही रहेगा जो चुनौतियों का सामना कर लेगा, जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेगा, तो इसे योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत कहते हैं। और स्पेंसर ने इसे समाजशास्त्र में लागू किया, तो इन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि 1863 में आई थी में सामाजिक पर्यावरण का सिद्धांत दिया था, सामाजिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम सामाजिक डार्विनवाद के रूप में भी जानते हैं, यानी वही समाज जीवित रहेंगे जो पर्यावरण के साथ या दूसरी जातियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। तो इन्होंने बताया उद्विकास क्या होता है, उद्विकास में क्या होता है कि विकास है वो धीरे धीरे होता है, किसी चीज़ का विकास है वो एक चरण से दूसरे चरण में, दूसरे चरण से तीसरे चरण में एक निश्चित दिशा के अंदर होता है। जैसे कि हम इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि जो मानव का विकास है तो मानव हमेशा से हमारे जैसा नहीं था, मानव का उद्विकास होकर आज इस अवस्था में पहुंचा है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और एक चरण है वो दूसरे चरण से संबंधित होता है। ऐसा नहीं होता कि पहला चरण कुछ अलग है, दूसरा चरण कुछ अलग है। तो इस प्रकार से जो विकास है वो एक क्या होता है, समरेखीय रूप में होता है, तो इसे हम उद्विकास कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, उद्विकास कहते हैं। तो उद्विकास के तीन नियम बताए हैं, उद्विकास के कितने नियम बताए हैं, उद्विकास के तीन नियम बताए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर है वो समाजशास्त्री के साथ साथ दार्शनिक भी है, उनकी गणना किन में होती है, दार्शनिकों में भी होती है। क्यों होती है, अब आप समझ जाओगे। इन्होंने उद्विकास के तीन चरण बताए थे, तीन नियम बताए थे। तीन नियम कौन कौन से हैं, नंबर एक, सभी वस्तुएं पदार्थ से निर्मित होती है, सभी वस्तुएं किससे निर्मित होती है, पदार्थ से निर्मित होती है। नंबर दो, इन सभी पदार्थों में शक्ति है वो विद्यमान होती है, शक्ति विद्यमान होती है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल शक्ति का, ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण किया जा सकता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और तीसरा नियम उन्होंने बताया था कि शक्ति के कारण वस्तुएं क्या है, गतिशील होती है। तो कोई भी पदार्थ है अगर उसमें गति नहीं होगी तो वो, अगर उसमें शक्ति नहीं होगी तो उसमें गति नहीं आ पाएगी। जैसे ये मेरे पास पेन है, अगर पेन ये पदार्थ है, अगर इसमें शक्ति नहीं आएगी किसी के द्वारा तो ये फिर गतिशील नहीं होगी। तो पदार्थ और गतिशीलता के लिए शक्ति, पदार्थ नंबर एक, नंबर दो है गतिशीलता के लिए शक्ति, ये दो प्रमुख तत्व है। तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, संसार किससे बना है, संसार बना है पदार्थ और शक्ति के योग से, और ये दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए परस्पर आश्रित है, यानी पदार्थ के बगैर शक्ति का कोई उपयोग नहीं है और शक्ति के बगैर
पदार्थ का कोई उपयोग नहीं है। तो ये तीन नियम हैं, इन्होंने उद्विकास की परिभाषा क्या दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये परिभाषा आप याद कर लीजिए। इसमें तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि उद्विकास क्या है, पदार्थ का समन्वय है। क्या है? उद्विकास पदार्थ का समन्वय है, यानी मिश्रण है। उन्होंने एक कथन और भी कहा था जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। किसका समन्वय है? समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। तो उद्विकास की परिभाषा की बात करें, उन्होंने कहा कि पदार्थ का समन्वय और उससे संबंधित गति है, उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान, इस गति के दौरान क्या होता है कि पदार्थ है वो अनिश्चित से किसकी तरफ बढ़ता है, निश्चितता की तरफ बढ़ता है, असंबंधित से संबंधता की ओर बढ़ता है, समानता से असमानता की ओर बदलता है। ये कैसे बदलता है, शायद ये आपको लाइन समझ में नहीं आई, तो इसको समझाने के लिए हमें एक चित्र पर जाना होगा। ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके आधार पर आप समझ सकते हो। तो ये चित्र कहता है, उद्विकास को समझाने का प्रयास करता है कि पहला अंडा आता है, अंडे के बाद में उसका थोड़ा और ज़्यादा विकास होता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर वापस चूजे निकलते हैं। तो ये उद्विकास है। तो इन्होंने कहा कि अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर विकास होता है, यानी जो अंडा है वो क्या है, अनिश्चित है, उसका में कोई निश्चितता नहीं है। जो मानव भ्रूण होता है वो एक सहजातीय पदार्थों से बना हुआ होता है, इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो क्या, एक जैसा पदार्थ है प्रारंभ में। तो उसे क्या होता है कि निश्चितता, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ता है, यानी अनिश्चित है ये किसकी तरफ बढ़ गया, निश्चित की ओर बढ़ गया, असंबद्धता से संबद्धता की ओर बढ़ता है, परस्पर निर्भरता की ओर बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या है, एक ही तत्व है, तो संबंधित किससे होता है, किसी के साथ संबंध बनाने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें जरूरी है। क्या चीज़ें जरूरी है, दो या दो से अधिक चीज़ें जरूरी है, तभी वो एक दूसरे से संबंधित हो पाएंगे। अगर एक ही है तो वो किससे संबंधित हो पाएगा, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ही पदार्थ होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसका विकास होता है तो इसके बहुत सारे, जैसे आंखें आ गई, कान आ गए, इसके पंख आ गए, पैर आ गए, तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। और नंबर तीन, समानता से विजातीयता, यानी सहजातीयता से विजातीयता। पहले क्या होता है, समानता होती है, अंडे में जो भी पदार्थ है वो क्या है, समान है, और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, विजातीयता आती रहती है, असमानता बढ़ती रहती है। जैसे कि प्राचीन हमारे जो समाज थे, आदिम समाज थे, या हम जनजातीय समाजों की बात करें, तो जनजातीय समाजों में बहुत ज़्यादा समानता होती है, लेकिन जैसे जैसे समाजों का उद्विकास होता है और नगरीय समाज की तरफ आते हैं, तो नगरीय समाज में अत्यधिक असमानता होती है। तो किससे होता है, समानता से असमानता की ओर उद्विकास होता है। तो ये इनका उद्विकासीय सिद्धांत था कि इस प्रकार से समाजों का उद्विकास हुआ। इसको हम और आगे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इनके जितने भी सिद्धांत हैं उन सब में उद्विकास इनकी मुख्य थीम है। अब बात करते हैं इनके सामवेय सिद्धांत की। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से, सामवेय का मतलब होता है जीव, सामवेय का मतलब क्या होता है, जीव, या जो हम मानव भी एक जीव है, तो हमारी बॉडी के साथ हम समाज की तुलना कर सकते हैं। तो सामवेय सिद्धांत दिया है इन्होंने, इन्होंने कहा कि मानव समाज है वो, उसकी तुलना एक जीवित और निरंतर बढ़ने वाले सामवेय यानी मानव शरीर या जीव के साथ की जा सकती है। तो उद्विकास जिस प्रकार से जीव का होता है, उसी प्रकार से उद्विकास है वो समाज का भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि अपने समाज से के परिवेश से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तालमेल स्थापित कर लेते हैं, और जो समाज ऐसे नहीं कर पाते हैं पर्यावरण के साथ या दूसरे समाजों के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, यानी सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक चयन का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। तो इन्होंने सामवे यानी जीव और मानव के बीच में कुल आठ समानताओं का वर्णन किया है। इन्होंने समाज की तुलना जीव से की और जीव और समाज के बीच में आठ समानता इन्होंने बताई है। कौन कौन सी बताई है? नंबर एक, आदिम समाज में जैसे विभिन्न अंग घुले मिले होते हैं, आदिम समाज में क्या होते हैं, जो विभिन्न अंग होते हैं, प्राकृतिक इकाई है, आर्थिक इकाई है, समाज की राजनीतिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, घुले मिले होते हैं। किस रूप में? जैसे कि मानव का भ्रूण होता है,
तो मानव के भ्रूण में क्या है कि बहुत सारे अंग अलग अलग विकसित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। तो इसी प्रकार से जो आदिम समाज थे वो भी जीव के समान घुले मिले थे, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता है, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग अंग विकसित होते हैं, अलग अलग शरीर है वो अलग अलग इकाइयों में बंट जाता है। इसी प्रकार से जब समाज का विकास होता है तो समाज भी अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो जाता है, राजनीतिक इकाई अलग बन जाती है, आर्थिक पक्ष को हम अलग कर सकते हैं, धार्मिक पक्ष को अलग कर सकते हैं, धर्म और राजनीति को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभ नहीं होते हैं। तो नंबर एक हो गई कि गुले मिले होते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रकार्यवाद, इसको हम क्या बोलते हैं प्रकार्यवाद बोलते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि समाज का विकास भी मानव शरीर की भांति धीरे धीरे होता है। नंबर तीन उन्होंने बताया अंगों में जो परिवर्तन है या समाज में जो परिवर्तन है वो किससे होता है, सामान्य से जटिलता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर। तो जो आदिम समाज होते हैं बड़े सामान्य होते हैं, क्या होते हैं बड़े सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होते हैं तो वो बड़े जटिल हो जाते हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक जनजातीय समाज को समझना आसान है, लेकिन एक नगरीय समाज को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो जिस प्रकार से जीव का विकास उसके जन्म से प्रारंभ होता है, फिर बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती, सॉरी युवावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो उस प्रकार से उसका विकास होता है। इसी प्रकार से समाज का विकास भी विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहले आदिम समाज थे, फिर पशुपालक समाज आए, फिर कृषि समाज आए, फिर मध्यकालीन सामंतवादी समाज आए, और अब क्या है आधुनिक समाज के रूप में समाजों का विकास हुआ है, किसके समान जीवों के समान ही। नंबर पाँच उन्होंने अंतर बताया है कि जिस प्रकार से जीव को नियंत्रण कौन करता है, जीव का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मस्तिष्क के हाथ में होता है, मस्तिष्क के पास होता है, उसी प्रकार से समाजों का जो कंट्रोल है वो सरकारों के पास होता है। नंबर छह विशेषता उन्होंने बताई कि जिस प्रकार से शरीर अनेक कोशिकाओं और इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से समाज का निर्माण भी अनेक व्यक्तियों और अनेक इकाइयों से मिलकर होता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समाज और साम्य यानी जीव में पूर्णतः समानता नहीं है, इनमें कुछ अंतर भी है। वो अंतर कौन कौन से हैं, इन्होंने बताया था कि जो जीव का विकास होता है वो क्या होता है प्राकृतिक नियम पर होता है, प्राकृतिक नियम से स्वचालित होता है, उसको व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन समाज के विकास को व्यक्ति है वो कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है अपनी हस्तक्षेप के द्वारा। नंबर दो इन्होंने बताया था कि सांवे यानी जीव के जो अंग है उनका पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे कि हमारा मानव शरीर है, अगर ये हाथ काट दिया जाए तो इस हाथ का कोई पृथक से अस्तित्व नहीं है, लेकिन समाज की अगर कोई एक इकाई, जैसे समाज की इकाई की बात करें तो व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है, अगर उसको अलग कर दिया जाए तो उसका पृथक अस्तित्व है बना रहता है, ये जीव और समाज के अंतर अंतर है। तो इसकी तुलना है सांवे का मतलब शरीर के साथ अंगों की तुलना, हमारे बहुत सारे अंग है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, और ये सब मिलकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से समाज के भी बहुत सारे अंग है, भौतिक पक्ष है, उसका आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, उसके अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मिलकर कार्य करती है। अब बात करते हैं इनके समाजों के वर्गीकरण की। समाजों के वर्गीकरण में भी उनकी मुख्य थीम वो क्या है, वो वही है उद्विकास, कि समाजों का वर्गीकरण किया है उसमें भी उन्होंने रखा है कि किस प्रकार से समाजों का उद्विकास हुआ है। इस उद्विकास के विभिन्न चरणों में समाज के विभिन्न प्रकार विकसित हुए हैं। तो मुख्य रूप से इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए, मुख्य रूप से समाज के दो प्रकार बताए हैं, नंबर एक सैनिक समाज और नंबर दो औद्योगिक समाज। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि औद्योगिक और सैनिक समाज के रूप में समाजों का वर्गीकरण किसने किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। सैनिक समाज को हम कई नामों से जानते हैं, कबीला समाज या आदिम समाज या युतुत्सु समाज भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि मनुष्य कबीलाओं के रूप में रहता था, क्या कबीले के रूप में रहता था, एक समूह यहाँ रहता था, दूसरा समूह यहाँ रहता था, तीसरा समूह यहाँ रहता था, छोटे छोटे उनके ग्रुप बना हुआ करते थे और वो युद्ध आपस में युद्ध हमेशा करते रहते थे, इन दोनों के बीच में हमेशा वो झगड़े है वो चलते रहते थे, इसलिए आदिम समाजों को या कबीलाई समाज को हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है,
सैनिक समाज का है और कई जगह इसका इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है आतंकवादी समाज, आतंकवादी समाज का भी प्रयोग इसके लिए किया गया है। और उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि इनका विकास होते होते धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सैनिक समाज था वो किस रूप में विकसित हो गया, वो औद्योगिक समाज के रूप में विकसित हो गया। तो जब औद्योगिक समाज के रूप में विकसित होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं, जब सैनिक समाज होता है तो उसमें क्या होता है कि अनिवार्य रूप से सहयोग होता है। क्या होता है, सहयोग होता है, वो अनिवार्य रूप से होता है। जो सेना है या जितने भी छोटे से लोग हैं कबीले के, उनमें बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। अगर सहयोग नहीं होगा तो वो दूसरे के साथ युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। नंबर दो, उनमें कठोर अनुशासन होता है और कठोर सामाजिक नियंत्रण होता है, समानता होती है, सरलता होती है। और जब ये औद्योगिक सैनिक समाज औद्योगिक समाज के रूप में विकसित हो जाते हैं तो इनमें क्या होता है कि जो सहयोग है वो अनिवार्य के स्थान पे कैसा हो जाता है, स्वैच्छिक सहयोग हो जाता है, श्रम का विभाजन होता है, कार्यों का बंटवारा हो जाता है। जो आदिम समाज होते हैं उनमें कोई कार्य का बंटवारा नहीं होता है, सब ऑलराउंडर टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज औद्योगिक होगा कार्यों का बंटवारा होता जाएगा। तो ये इनका समाजों का वर्गीकरण है मुख्य रूप से, लेकिन उन्होंने कुल चार प्रकार के समाज बताए हैं। कितने प्रकार के समाज बताए हैं, चार प्रकार के समाज बताए हैं। पहला समाज इन्होंने बताया है सरल समाज। कौन सा बताया, नंबर एक सरल समाज। सरल समाज इन्होंने आदिम समाजों को सरल समाज कहा है। दूसरा इनका वर्गीकरण है वो है यौगिक समाज या मिश्रित समाज, यौगिक या मिश्रित समाज। मिश्रित का मतलब होता है कि पहले ये जो अलग अलग समाज थे या अलग अलग कबीला थे, तो इन्होंने क्या किया कि जब वो जंगलों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य करने लगे तो इन्होंने अपनी जो लड़ने की प्रवृत्ति थी वो छोड़ दी और वो क्या करने लगे, साथ साथ रहने लगे। यानी दो समूहों का मिश्रण हो गया, तो इसको उन्होंने बोला है यौगिक या मिश्रित समाज। इनको समूह का मिश्रण इनमें होता है। तीसरा उन्होंने बताया कि दोहरे मिश्रित समाज, दोहरे या द्वियौगिक समाज। ये इन्होंने बताई है मध्यकालीन समाज की विशेषता, जिसमें एक पूरे क्षेत्र के जो समाज होते हैं, पूरे क्षेत्र के जो समाज होते हैं वो एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, एक सामंत के नीचे छोटे छोटे कबीला इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको इन्होंने कहा है द्वियौगिक समाज। और चौथा इन्होंने प्रकार बताया है वो है तिहरे मिश्रित समाज, जिसे इन्होंने आधुनिक समाज को इन्होंने तिहरे मिश्रित समाज कहा है। तो ये इनके समाजों का वर्गीकरण है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों की, और उनसे पहले भी एक प्रश्न और बनता है कि स्पेंसर ने समस्त प्रकार की घटनाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है। तो समाज की सॉरी संसार की समस्त घटनाओं को इन्होंने तीन भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, तीन भागों में। एक असावी यानी अजैविक, दूसरा सावी यानी जैविक, और तीसरा अधिसावी या अधिजैविक। यानी जो समाज की संरचना है वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो समाज है वो क्या है, सावे से भी आगे बढ़कर है। वैसे अधिजैविक संस्कृति की जो बात की थी वो करोबर ने की थी, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज मत होना। अधिजैविक समाज की बात है वो स्पेंसर कर रहे हैं और अधिजैविक संस्कृति की बात है वो करोबर कर रहे हैं। अब हम इनकी एक नज़र इनकी प्रमुख पुस्तकों पर डालते हैं। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। तीन वॉल्यूम इसके निकले थे, तीन जिल्दों में ये प्रकाशित है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1877 में आई थी। और इससे पहले जो उन्होंने अपना उद्विकास का सिद्धांत दिया था, वो उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में दिया था, जो कि 1862-63 में आई थी। और इससे पहले जो इनकी सर्व पहली पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था सोशल स्टैटिक्स, जो कि 1850-51 में आई थी। इनके अलावा इन्होंने चार पांच पुस्तकें और लिखी है, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, ये डार्विनवाद पर आधारित है, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ये नीति शास्त्र पर आधारित है, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो अगस्त कामटे के बारे में अगर कुछ चीज़ें छूट गई है या आपके में वीडियो में आप कुछ सुधार चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
क्योंकि पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।